इस भैंसे का नाम है सूरबीर, जो कि पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहब के गांव ऊंची रुड़की के रहने वाले बलविंदर सिंह ब्लिंग के तबेले की शान बना हुआ है। उम्र है 3 साल। सूरबीर का कद 5 फुट 8 इंच है। इसकी लंबाई 10 फुट 11 इंच है। अगर वजन की बात करें तो बलेरो जीप भी इसके आगे हल्की पड़ जाती है। गजब का शरीर है सूरबीर का। इसकी सुंदरता का बखान करती है माथे के बीचों बीच निकाली गई मांग, नथुनी और लंबी पूछ इसकी सुंदरता को 4 चांद लगा रहे हैं। ये सच है कि सूरबीर एक ऐसा योद्धा है जो कभी भी हारा नहीं है। ये जहाँ भी गया है जीत कर ही लौटा है। शोहरत सूरबीर को विरासत में मिली है। ये भैंसा राष्ट्रीय पशुधन चैंपियनशिप के सरमौर खली की औलाद है। जानकारी के लिए बता दें कि खली मुक्सर में हर साल होने वाली राष्ट्रीय पशुधन चैंपियनशिप का 5 बार का विजेता है। बलविंदर सिंह बताता है कि सूरबीर की माँ का नाम क्रांति है। क्रांति भी पंजाब के जिला मुक्सर में होने वाली राष्ट्रीय पशुधन चैंपियनशिप की 4 बार सन 2010, 13, 14 और 15 की विजेता है। मुकाबले के दौरान क्रांति ने एक दिन में 27 किलो दूध देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। सूरबीर की नानी यानी क्रांति की माँ नसीबो ने एक दिन में 24.666 ग्राम दूध देकर मुक्सर मेला लूटा था। इतना ही नहीं, इसकी दादी भी मुक्सर मेले की चैंपियन रही है। उसने भी एक दिन में 25 किलो दूध निकाल कर मुकाबला जीता था। अब सूरबीर की भी सुन लो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ये रोजाना 4 किलोमीटर की सैर मांगता है। इच्छा पूरी ना होने पर जमकर हड़दंग मचाता है। सूरबीर जब बलविंदर के ब्लिंग फार्म के तबेले में उछल कूद मचाता है तो धरती भी हिलती है। सूरबीर को रोजाना के हिसाब से 50 किलो हरा चारा, 8 किलो गेहूं का भूसा, 6 किलो फीड, 1 पाव घी तेल समेत 2 किलो फल भी चाहिए। इतना सब पचाने के लिए उसे 4 किलोमीटर की सैर रोजाना करानी पड़ती है। पानी की फुहारों का बेहद शौकीन है ये। सारा दिन नहलाते रहो, इसका मन नहीं भरता है। दूर दूर से पशुपालक सूरबीर से क्रॉस कराने को अपनी भैंसियाँ लेकर ब्लिंग फार्म पर आते हैं। सूरबीर द्वारा एक मर्तबा क्रॉस करने के बदले में 2100 रुपये बतौर शगुन मिलते थे, लेकिन बलविंदर रुड़की इतने पर संतुष्ट नहीं हुआ। सो अब नई तकनीक अपनाकर 60,000 यानी 30 गुना अधिक कमाई ले रहा है। मतलब ये है कि बलविंदर रुड़की सूरबीर का सीमेन 1,000 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। बलविंदर रुड़की का कहना है कि सूरबीर के सीमन से गर्भ धारण करने वाली भैंस 20 किलो से कम दूध नहीं देगी, पर देगी ना माला माल। वो कहता है कि अगर कोई भी कार्य सूझबूझ और समय पर किया जाए तो उम्मीद से अधिक मुनाफा मिलता है। साढ़े को जी यही क्रांति मझ सी, इसका मैं एक जो बुल पालिया वो सूरबीर है, तो उसका बहुत नाम सी, तो उस करके मे तो जो इलाके के गुआढ़ी सी वह इस क्रॉस कराने वास्ते बहुत उत्साह थे। मैं 2100 रुपये का रखा सी, मैं खुश होकर 2100 रुपया देकर जाते थे, पर मैं वो सिस्टम बदलता। मैं हूँ इसका सीमन कढ़वाया, मैनू सीमन कढ़वा क्रॉस कराने नालों ज़्यादा फायदेमंद होया, क्योंकि क्रॉस कराने नाल मैनू नुकसान होंदा सी, पर यह मैं 1000 का एक स्टाफ बेचदा। जे मझ एक बार क्रॉस कराते तो साढ़ा 60-70 हज़ार का नुकसान थी, वो मैं 2100 लादा थी, हूँ मेरा 60,000 रुपया बनता जे मैं एक बार क्रॉस कराने मझदा।